हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से UPSSC वीडियो का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तब से गवर्नमेंट और आयोग परेशान है कि कितना जल्द से जल्द इसका री एग्ज़ाम करा दिया जाए ताकि ये फिर से ना फंसे। क्योंकि आपको मालूम है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। वो लगातार वो भी प्रयासरत है अपनी तरफ से कि ये एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया हुआ था वही रहे, सेम चेंज ना हो और इसे कैंसिल ना माना जाए। और एक तरफ गवर्नमेंट और आयोग लगातार लगा हुआ है कि दोबारा एग्ज़ाम करा दिया जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दोबारा कुछ इस पर कर ना पाए, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, लगातार आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, मीडिया देख रहे होंगे कि लगातार यही चीज़ आ रहा है 2-3 दिन से कि वीडियो एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ये बोला जा रहा है पंचायत चुनाव के बाद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अब नया ये सुनने को मिल रहा है कि अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो धांधली हुआ था उससे बचने के लोग ऑनलाइन प्रोसेस अपनाना चाहते हैं, और अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो जो बाकी एग्ज़ाम्स होंगे, PET वगैरह और सब जो भी होगा, सारा एग्ज़ाम ये लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये भी मीटिंग हुई है आज कि ये आज नहीं कल कि मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है अब कराया जाए, ताकि क्या हो कि यहाँ पे जो इशू हो रहे हैं, मतलब पेपर आउट होने का और सब, वो ना हो पाए। और यहाँ पे क्या है, दिया गया है बहाना कि हम TCS, मतलब TCS ने गलती की, जबकि आपको मालूम है ऑनलाइन में अगर कराएंगे तो TCS ही ये टेंडर लेने वाला, बिडिंग प्रोसेस TCS ही लेगा। ये कितना भी दूर भागेंगे, कितना बहाना करेंगे, घूम फिर के TCS के ही पास आएंगे, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएं चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएं। अब मेन मुद्दा ये है कि री एग्ज़ाम होगा कब। तो जैसा कि मैं बोला, मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है कि मई में हो जाएगा ये पंचायत चुनाव के बाद, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, अभी ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ये एग्ज़ाम जून लास्ट में हो सकता है, ठीक है। और ऑफलाइन का ही ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है अभी भी, भले लोग कह लें ऑनलाइन का हम काम करेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कहीं से भी। क्योंकि अगर ये ऑनलाइन कराएंगे तो इन्हें वैसे सेंटर्स वगैरह मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन बहुत से एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर ये कराएंगे तो ऑफलाइन ही कराएंगे, और ये महज दिखा रहे हैं ऑनलाइन ताकि ये कहा जा सके कि हाँ, ये लोग निष्पक्ष काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन करा देंगे तो इनका कमाई नहीं हो पाएगा उस हिसाब से जैसा ऑफलाइन में होता है, और ये कमाई करते रहेंगे, ये आपको भी मालूम है। तो कमाई करने के लिए लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कराएंगे, और ये एग्ज़ाम जो है जून के ही आसपास होगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। ये लोग बार बार करें दूसरे से हम कराएंगे, पर दूसरे से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। एग्ज़ाम हमको लगता है पूरा चांस है कि TCS ही कराएगी, बस अभी बस मामला बनाया जा रहा है, न्यूज़ बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है TCS ने ऐसा किया, बस TCS कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो किया है आयोग के चेयरमैन ने किया है, और आयोग के मेंबर्स ने ही किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज बस इतना ही अपडेट था कि आपका जो एग्ज़ाम है जून में ही होगा, ये जो अफवाह फैला जा रहा है बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा, इसका कोई खास सच्चाई नहीं है, ठीक है। अभी इसमें टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम TCS ही कराएगी, और ऑनलाइन हो सकता है, बट मुझे चांस नहीं दिख रहा है। भले लोग प्रयास कर रहे हैं बट हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन करेंगे तो और लेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।